हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चले आज हम उत्तराखंड इकोनॉमी में हम बजट देखेंगे। बजट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आज डिस्कस करूँगी, कुछ फैक्ट्स भी मैं डिस्कस करूँगी। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। और अभी जो वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी फुल कोर्स की तैयारी कराई जा रही है गोयला क्लासेस पे, को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज हम देखते हैं बजट, उत्तराखंड बजट। इससे पहले मैं कुछ बजट के डेफिनेशन बताऊंगी या फिर बजट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको मैं आपको डिस्कस करूंगी, देन हम उत्तराखंड की बजट देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे अगर बजट का मतलब समझते हैं तो बजट क्या होता है, प्लानिंग होती है। मतलब आने वाला साल में हम क्या क्या कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये क्या होता है, बजट होता है, एस्टिमेटेड होता है। मतलब आने वाले साल में कौन सी मिनिस्ट्री को कितना फंड देना है, कैसे देना है, कितना खर्चा होना है, तो ये बजट होता है, राइट। ये समरी होती है सारी, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ से आएगा या एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर और पैसा कहाँ खर्च करना है, ये क्या होता है, एडवांस में देखा जाता है, इसीलिए इसको मैं प्लानिंग बोलती हूँ। ओके, तो ये होता है या तो फिस्कल ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल का होता है तो उस एक साल को हम फिस्कल ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर बोल देते हैं। आर्टिकल 2.1.12 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे, और याद रखिएगा बजट वर्ड मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है यहाँ पे। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा हुआ है, बजट नहीं लिखा हुआ। कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर बजट प्रेजेंट करता है तो आर्टिकल 202 में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 201 में। ओके, तो ये है, तो आपने याद रखना है स्टेट करेगा और यूनियन गवर्नमेंट, और आर्टिकल 112 में, 12 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब जो नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर जो वर्ड मैंने आपको बोला वो है 1 अप्रैल to 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड जो एक साल होगा वो 31 मार्च को होगा। द वर्ड बजट कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, बुकेट मतलब लिटल बैग, ये याद रखिएगा। ओके, इस प्रकार से आपको हिंदी में भी हर एक चीज मिल जाएगी। तो बजट का मतलब समझ लिया, ये कहाँ पे कैसे मेंशन है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बजट पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेस तो पता होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले अगर बजट की बात करें कब प्रेजेंट हुआ, तो वो जेम्स मिल्सन जो 1860 में प्रेजेंट हुआ, फर्स्ट इंडियन बजट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस आर के शणमुखम चेट्टी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट पीएम जो कि बजट प्रेजेंट किए हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ओके, तो ये 1958 और 59 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको हम कोर्सेज में भी कराएंगे, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। ओके, एक इंडिविजुअल इसका क्लास होगी बजट का। इंक्लूशन ऑफ हिंदी, पहले क्या था आपका, इंग्लिश में ही आता था, हिंदी में नहीं आता। अब आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट होता है। तो 1955 और 56 के दौरान जो गवर्नमेंट है वो दोनों लैंग्वेजेस में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है किन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, तो जो है आपके मोरारजी देसाई, यहाँ पे मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया है। ओके, 10 बार प्रेजेंट किया। इसी के साथ चिदंबरम जी हैं, पन्ना मुखर्जी हैं, आपको याद रखना है। तो मोरारजी देसाई जी को तो याद ही रखना है। ओके, तो ये हमने देख लिया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से क्या हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया बजट क्या है। चलिए अब हम उत्तराखंड के बजट देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या बजट में कितने कितने जो एक्सपेंडिचर बोला है, कितनी प्लानिंग करी है, बेसिकली ये देखेंगे। तो ऑन मार्च 15, 2023 में उत्तराखंड में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया गया, और इस साल का बोलते हैं ना किसने का बजट आया, तो यहाँ पर देखिएगा
कि 77,407.08 करोड़ का यहाँ पे बजट आया है। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अगर बोलेंगे उत्तराखंड की बजट में कितना बजट, मतलब इस साल का 2023-24 का बजट का कितना फंड है, मतलब कितना पूरा टोटल कितना खर्चा होने वाला है, तो 77,407.08 करोड़ खर्चा होने वाला है। ये याद रखिएगा 23-24 की बात है। ओके, आने वाला साल मतलब 23 फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 24 मार्च तक जाएगा। ये है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म पे फोकस किया गया है। ओके, इसमें याद रखिएगा मतलब इस बजट जो फंड एलोकेट किया गया है इन इन चीजों पे खर्चा होगा। चले आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो बजट में कुछ टर्म्स आएंगे। वैसे आपको हमारे कोर्सेज जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। बजट देखिए दो प्रकार की होती है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिट्स होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल रिसिट्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए फंड इतने का आया, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 77,408.8 करोड़ का पैसा आया, लेकिन किस किस पे कौन कौन से खर्च होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ये होता है स्टूडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको इसके टर्म्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप कोई भी स्टेट या कोई भी हमारे इंडिया के आप बजट को, यूनियन बजट को या फिर कोई भी स्टेट के बजट को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिक आपको ये पता होना चाहिए रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, राइट। यही अब इतना पैसा आया मतलब 100 रुपए आए, उसमें कहां कहां से पैसा आएगा या कहां कहां पे खर्चा की जाएगी। अगर रेवेन्यू की बात करें तो डेली सरकार जो है पैसा खर्च करती है। कैपिटल की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म होता है, या तो लॉन्ग टर्म से पैसा आता है, एसेट से आता है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है या एसेट क्रिएट की जाती है। ओके, फुल ये एग्जांपल देख सकते हैं। रेवेन्यू में टैक्स नॉन टैक्स होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो कि सैलरीज पेंशन स्कीम पे खर्चा करती है सरकार वो होता है। रेवेन्यू कैपिटल रिसिट से होता है कि कैपिटल से पैसा आता है कहाँ से, रिकवरी ऑफ लोन, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बेच रही है सरकार तो आता है, या बॉरोइंग करती है तो आता है, तो वो कैपिटल रिसिट्स होगा, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। वही रोड्स रेलवेज पे खर्चा कर रही हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। चलिए तो अब हमने थ्योरी थोड़ा सा जान लिया, इसको डिटेल में भी आपको पढ़ाना है और पढ़ना है इसने आपने। ओके, तो अब चलिए टेबल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स में कितना है, 57,050.57.26। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिए टेबल पे बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि रेवेन्यू रिसिट से जो उत्तराखंड सरकार से कहाँ कहाँ पैसा आएगा। तो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स से जो उत्तराखंड सरकार से पैसा आएगा वो 57,057.26 होगा। ओके, ये है बजट एस्टिमेट। रिवाइज भी देख सकते हैं, एक्चुअल भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा, इसको तो आपने याद रखना है। ओके, तो ये रेवेन्यू रिसिट्स। अब क्या होगा इसमें स्टैटिक भी आपका, देखिए यहाँ पे अगर मान लो कि कल को अगर पूछ लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या होता है, तो टैक्स नॉन टैक्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स, कितना अच्छे से क्लैरिटी से दिया हुआ है। फिर अगर कैपिटल रिसिट्स की बात करें तो देखिए कितना है, 19,535.28 यहाँ पे है आपका कैपिटल रिसिट्स। तो यहाँ पे देखिएगा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कैपिटल, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिट्स, बोरोइंग एंड अदर से आ रहा है सरकार के पास पैसा। अब दोनों को कितना टोटल, मतलब चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, दोनों से कितना पैसा आ रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट 76,592.54। तो इतना पैसा आ रहा है टोटल रिसिट्स उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो रिसिट्स पैसा आ गया, अब खर्चा कहाँ कहाँ करने वाली है उत्तराखंड सरकार वो देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं। ऑन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में देखे तो यहाँ पे देखे तो यहाँ पे ये लिखिए बजट एस्टिमेट 52,749.54
0.71 है और वही कैपिटल में इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह हो गया। अगर कैपिटल अकाउंट में देखें यहाँ पे तो कैपिटल आउटले देना है, आउटले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन पेमेंट करना है, लोन एंड एडवांसेस देना है। अब पैसा लिया तो पे भी तो करना पड़ेगा, तो वो है आपका यहाँ पे 24,659.37। ओके, और वही अगर आप देखेंगे तो कंबाइन करके, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को कंबाइन करके 77,407.08 करोड़। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया ये, देखिए तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ये जो पूरा बजट था जो लाया गया वो कहाँ कहाँ पे खर्च होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीइंग अ सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए ये जो बजट में इतना पैसा बोला वो कहाँ कहाँ किस किस चीज़ से पैसा आएगा और किस किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करेंगे, बहुत क्लियरिटी से ये चार्ट पे आपको दिया हुआ है, आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि मान ले कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, माइनस टोटल बजट रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग होती हैं, ये डेफिनेशन होता है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1946.91 यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, ये भी पूछ सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये है 2885.651। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये डाटा फैक्ट्स एंड फिगर याद रखना है। तो अगर हम पूरे बजट, चलिए एक बार फिर से, पूरे बजट का क्या है 77,407.08 और उसमें से पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू और कैपिटल से, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगी यहाँ पे, तो टोटैलिटी में आपको टोटल एक्सपेंडिचर भी आपको पता चल गया। ओके स्टूडेंट, तो रेवेन्यू टोटल में, रेवेन्यू कितना आना है, टोटल में एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना है सरकार से। इसी प्रकार से फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए और आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर भी पता होना चाहिए। ओके, स्टैटिक भी देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं ये चार्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि उत्तराखंड सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो कहाँ कहाँ से पैसा आता है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू से आता है 25.89, मतलब स्वयं का कर राजस्व कितना है 25.89। फिर नॉन टैक्स, टैक्स और नॉन टैक्स हमने देखा था 6.17% आता है, 6.17% ये देखिएगा करातर राज जो है ये आता है। ओके, फिर टैक्स, स्टेट शेयर इन टैक्सेस, स्टेट शेयर इन टैक्सेस कितना है 14.79। ओके, करों के राज्यांश जो है ये है राज्यांश। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे ग्रांट इन एड जो है स्टूडेंट, ग्रांट इन एड कितना आता है 27, ग्रांट इन एड कितना आता है 27%। ओके, फिर पब्लिक अकाउंट नेट देखें तो 0.78, पब्लिक अकाउंट नेट देखें तो सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा आपका टैक्स से आता है, सबसे कम आता है पब्लिक अकाउंट नेट से आता है। फिर रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, रिकवरी ऑफ लोन मतलब कि अगर कर दिया तो पैसा आया, वो आया है 0.10%। ओके, 0.10% आया है यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर हम देखें पब्लिक डेट, पब्लिक डेट मतलब कि उत्तराखंड सरकार पैसा ले रही है तो कितना आ रहा है 25.21%। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है उत्तराखंड सरकार के पास कहाँ से आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू, और सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, पब्लिक अकाउंट नेट से। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये पैसा का पता होना चाहिए, रुपया कहाँ से आता है। ओके, नेक्स्ट है रुपया जाता कहाँ है सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, तो चलिए वन बाय वन इसको भी देखते हैं। सैलरीज हो गया, अलाउंसेज हो गया, वेजेज हो गया, 24.98% यहाँ पे जाता है सबसे ज़्यादा। ओके, फिर अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट लोन पे तो 15.23% जाता है इन्वेस्टमेंट लोन पे। ओके,
उसके बाद ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन सब्सिडी पे 6.24% जाता है, 6.24% जाता है। उसी प्रकार से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे 7.96% जाता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे। ओके, फिर मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क, स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क, ये है बहुत अच्छे से क्लैरिटी से बताया गया है, 10.55% का जाता है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। ओके, अदर एक्सपेंसेस 25% का जाता है, 25.23%। ओके, यहाँ पे पेंशन और ग्रांट 9.81% पे जाता है। तो सबसे आपने ज़्यादा याद रखना है कहाँ पे, सैलरीज, मतलब उत्तराखंड के सरकार जो सैलरीज अलाउंसेस पे खर्चा करती हैं तो वो 24.98% है, राइट, 24.98% है। वही सबसे कम कहाँ पे करती हैं, तो 6 पॉइंट देखिए, ग्रांट इन एड, मतलब कि ग्रांट एंड एड कंट्रीब्यूशन सब्सिडी है, वो 6.28% है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखना है पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ से, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना है। ये भी आ सकता है 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं कि और क्या है, मतलब ये तो आपका फैक्ट्स था, राइट, फैक्ट्स थे कि कितना क्या हुआ, फंड कहाँ पे एलोकेट हुआ। अब कुछ वेलफेयर के लिए सरकार ने कितने कैसे जो है परसेंटेज पैसा एलोकेट किया है, तो देखिए फोकस ऑफ बजट, बजट जो फोकस था उत्तराखंड, अगर आप यूनियन बजट देखेंगे तो वहां पे भी 7 प्रायोरिटीज थी। ओके, उसी प्रकार से उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी 7 प्रायोरिटीज हैं। देखते हैं इन्वेस्टमेंट में ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करना, इस पे फोकस किया गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब उनका हेल्थ अच्छा करना है, उनको एजुकेशन अच्छा देना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट की पूरा डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं डेवलप्ड होंगे, ओवरऑल डेवलप्ड होंगे, ये बोला गया है। न्यू अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ओके, हेल्थ फैसिलिटी बताया मैंने आपको, प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रमोशन करना है, राइट, एंड प्रोटेक्शन करना है पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सरकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट फैसिलिटी या फिर डिजिटल जो चीज़ें हैं वो होना चाहिए, जिसके लिए पैसा दे रही है सरकार उस तक पहुँचना चाहिए। DBT ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट यहाँ पर फोकस किया गया है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना चाहिए, ये बोला गया है। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स जो है, मतलब फॉरेस्ट वगैरह, उत्तराखंड में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों है, मतलब यहाँ पे वर्ड देखिएगा, इकोनॉमी करना है, पैसा जनरेट करना है, लेकिन इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट को देखते हुए करना है, तो बहुत अच्छा लाइन है, ये चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि 7 प्रायोरिटीज कौन से हैं, ओके, इसमें कोई एक पूछ सकते हैं जो कि आपको एलिमिनेट करना होगा। इस प्रकार से आपको हिंदी पे भी मिल जाएगा। अब हम देखेंगे, यहाँ पे आपने देख लिया कि वेलफेयर, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए कितना खर्च किया गया, तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं लार्जेस्ट एलोकेशन कहाँ पे, योजनाएं पे किया गया, तो एजुकेशन और यूथ वेलफेयर पे किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पे वेजेस इंक्रीज करने की बात की गई है। शौर्य स्थल को निर्माण करने के लिए 20 करोड़ का यहाँ पे बजट बोला गया है। आगे और देखते हैं, ये सारे वर्ड्स आपने याद रखना है। सैनिक विश्राम गृह जो है उसके लिए 2 करोड़ पैसा लगाया गया है। खटीमा CASD कैंटीन बनाने के लिए 1 करोड़ पैसा खर्च किया जाएगा। सैनिक विश्राम के लिए 2 करोड़ पैसा खर्च किया जाएगा, ये एग्जैक्ट अमाउंट याद रखना आपने। शहीद कोष जो होते हैं, जो जवान की डेथ हो जाती है उनकी कोष, उनके फंड के लिए 1.5 करोड़ की राशि की बजट की बात की गई है। वीरता पुरस्कार जो है वहाँ पे यात्रा अगर वो करते हैं उनके पास, उनको कोई भी कॉस्ट वहाँ पे निशुल्क यात्रा उनको करवाया जाएगा, इस बात की बात कही गई है बजट में। नेक्स्ट देखते हैं छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़ की बोला गया है, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए 6 करोड़ की बजट की बात की गई है। बालिका साइकिल के लिए योजना है यहाँ पे, बालिका साइकिल योजना, उसमें 15 करोड़ जो है बजट की बात की गई है। इसमें बहुत सारे ये आपको याद
याद रखना है, अगर ये बजट से रिलेटेड आता है तो फंड आपने कितना किया गया है, यही से क्वेश्चन बनता है, तो सारे आपने याद रखना है। अब इससे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जो है वो 11 करोड़ यहाँ पे पैसा लगाने की बात की गई है, बजट करने की बात की गई है। जो स्टूडेंट लोक सेवा आयोग मतलब सिविल सर्वेंट्स की तैयारी करते हैं यहाँ पे, या पब्लिक पीसीएस की तैयारी करते हैं, वहाँ पे 50,000 रुपया देने की बात की गई है। ओबीसी छात्रों के लिए 1.9 करोड़ पैसा यहाँ पे देने की बात कही है, जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं। अनुसूचित जाति जो हैं उनके लिए 50 करोड़ पैसे देने की बात की गई है। आगे देखते हैं, सीएम स्वरोजगार योजना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो स्कीम है ये मैं आपको इंडिविजुअल भी स्कीम कराऊंगी। तो देखिए, सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ पैसा बजट की बात की गई है। यहाँ पे 10 राजकीय विद्यालय मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाए जाएंगे, 10 ये बात की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्कृष्ट विद्यालय योजना की बात की गई है। उत्कृष्ट मतलब कि टॉप क्लास क्वालिटी ड्रिवन होगा, 51 करोड़ रुपए की बात की गई है इसमें। वही पॉली हाउस के लिए 50,000 रुपए, ये पिक्चर्स आप देख सक रहे हैं, पॉली हाउस के लिए 50,000 रुपए देने की बात की गई है। कहाँ पे हजार है ये देखना है। एनसीसी कैंडिडेट के लिए 45 रुपीज़ बढ़ाने की बात की गई है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें 285 करोड़ की बजट की बात की गई है मेडिकल कॉलेज के लिए। ओके, यहाँ पे अगर बात करें वर्क टूवर्ड मेकिंग मतलब उत्तराखंड स्टेट को बहुत अच्छा बनाना है, बेस्ट क्वालिटी बनाना है, बेस्ट स्टेट बनाना है, कब तक? 2025 तक, ये आपसे पूछ सकते हैं। और प्रोविज़न ऑफ 100 करोड़ मतलब अभी भी आपको फिलहाल जो है G20 हमें प्रेसिडेंसी मिली थी हमारी कंट्री को, तो उसके लिए वहां पे बहुत सर्व करने के लिए यहाँ पे G20 के लिए 100 करोड़ की यहाँ पे बजट एलोकेशन की बात की गई है। तो ये हमने योजनाएं देखे, कुछ टर्म्स देखे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम आप लोग उत्तराखंड में जो कि वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, उसकी कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। आप इसको बाय कर सकते हैं जो कि 3999 में आपको मिलेगा। इसमें आपको लेक्चर प्लस स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलता है। ये हमारा कॉल नंबर है जिस पे कॉल करके आप कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। ये हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, ये ऐप होगा उस पे बाय कर सकते हैं ऐप से। ओके, आप कोई भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्सेज गोयला क्लासेस पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर मिलूंगी नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहे हमारे साथ, आप सभी का धन्यवाद।